नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। मुझे पता नहीं क्यों मंगमंग मुझे इन तिरछी तिरछी नजर से देख रहा है। मंगमंग मुझे ऐसी नजर से मत देख, मुझे शर्म आ रही है। ओवरएक्टिंग क्यों ला, 50 रुपए काट ओवरएक्टिंग के। So guys, आज है वेंसडे और अभी सुबह के कितने बजे मुझे खुद भी नहीं पता क्योंकि मेरे पास घड़ी नहीं है, लेकिन कुछ चिंता करने वाली बात नहीं क्योंकि मेरे पास आ चुकी है एक और नई घड़ी। ये वाली है नई एप्पल वॉच जो कि मेरे छोटे भाई ने भेजी है मेरे लिए एज अ गिफ्ट फॉर 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स। सो अभी हम इसको खोलते हैं। A few moments later. अबे मुझे चाहिए, मुझे दे देना, तू क्या करेगी एप्पल वॉच का? Here it is. तो ये रही एप्पल वॉच, ये रहा इसका बेल्ट और अभी हम इसको पहनते हैं। लुक सो प्रीटी, थैंक यू सो मच अजय फॉर सेंडिंग मी दिस ब्यूटीफुल वॉच। भगवान आप सबको ऐसा छोटा भाई दे, ये है पू माते का आशीर्वाद आपके लिए। एनीवे गाइस, जैसे कि आप वीडियो के टाइटल में देख सकते हैं, आज हम फटने वाले हैं अजीब गरीब डीएम्स जो कि मुझे इंस्टाग्राम पर मिलते हैं और कुछ कमेंट्स जो कि मुझे यूट्यूब पर मिलते हैं। आज आपकी पूनम दीदी इतने डीएम्स पड़ेगी किसी ने सोची ना होगी। लेकिन ये डीएम्स पढ़ने से पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ। सो कुछ लोग है कि जब भी मैं ये डीएम्स पढ़ती हूँ तो उनको बहुत बुरा लगता है क्योंकि वो बोलते हैं कि Oh my God, you are so rude. Why are you insulting people? अगर तुम इनका जवाब नहीं दिया तो क्यों पढ़ती हूँ ये DMs? So मैं इन लोगों को बोलना चाहती हूँ, just chill guys. आपको तो पता है कि मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर कितना अजीब गरीब है, तो इन छोटी छोटी बातों पे सीरियस होने की कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी मुझे किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं क्योंकि मैं एक झाड़ू नहीं हूँ। तो बिना कोई बकवास के ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो एक वीडियो में मैंने एक ड्रेस पहन रखी थी और जो ब्रा स्ट्रैप होती है तो वो शायद थोड़ी सी हल्की सी दिख रही थी, तो एक लकड़े ने कॉमेंट करा है तेरी ब्रा की स्ट्रैप दिख रही है तो तू भी ब्रा पहन ले, तेरी भी दिखेगी। मिस्टीरियस गेमिंग ने अर्ज करा है ये लड़की रोज तमिलियन स्टोर का दिमाग खाती है। देखिए मिस्टीरियस गेमिंग जी, तमिलियन स्टोर में दिमाग नहीं मिलता, अगर मिलता होता ना तो मैं खरीद के आपको भेज देती, शायद वो दिमाग खा के आपको कन्वीनियंस स्टोर की स्पेलिंग ही आ जाती। तो किसी ने पूछा है व्हाट इज योर टैलेंट, आप टैलेंट की बात ही मत करिए, मुझ में इतना टैलेंट है कि मैं आपको क्या बताऊं। टैलेंट नंबर वन, मैं नीचे गिरे हुए कपड़ों को मेरी पैरों की उंगलियों से उठा सकती हूँ। वाह क्या टैलेंट है। टैलेंट नंबर टू, अगर चाय में कोई बिस्कुट डूब जाए ना तो मैं उसको दूसरे बिस्कुट से निकाल सकती हूँ। टैलेंट नंबर थ्री, मैं पढ़ाई करते करते फोन भी चला सकती हूँ। इतना टैलेंट है लेकिन कभी घमंड नहीं करा। किसी ने पूछा है हाउ देसी आर यू, मैं इतनी देसी हूँ कि आपको क्या बताऊँ। मेरे घर में एक बड़ी सी थैली है जिसके अंदर पुरानी थैलियां हैं, जब कोई कपड़े पुराने हो जाते ना तो उनको फेंकने की जगह मैं उनका पोछा बना देती हूँ, इतनी देसी हूँ मैं। किसी आंटी जी ने लिखा है तू तो 50 साल की दिखती है। थैंक यू सो मच आंटी जी। इस बात में मैं बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हो सकती क्योंकि जो मेरी उम्र है ना वो है 55 साल, तो आंटी जी ने बोला कि मैं 50 साल की दिखती हूँ, इसका ये मतलब है कि मैं 5 साल यंगर दिखती हूँ। आई लव यू। एक और आंटी जी ने लिखा है इतना मेकअप करती क्यों हो। सो आंटी जी को मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, मेरा थोबड़ा, मेरे पैसे, मेरा मेकअप, आपको क्या प्रॉब्लम। सो मेरी कमेंट सेक्शन में देसी लोग ही नहीं है, फिरंगी लोग भी बहुत सारे हैं। सो अलेक्सा जी की प्रोफाइल फोटो बहुत ही क्यूट है, मुझे लगता है कि उनका बर्थडे था क्योंकि उनके हाथों में 2 लाल गुब्बारे हैं। उन्होंने बोला है सुनूनो से लो मेजोरी सो कॉन्सेप्ट ने पूर्ते पेरो दे टेन सोलो वेलोस निस्तलो पंताला रिक्वेस्ट वैसे सो प्रेंडेंट हाय नर्मा तेरे से। अलेक्सा जी इतना लंबा कमेंट लिखने के लिए मुचो ग्रासियास, हमें भी थोड़ी अंग्रेजी आती है। किसी ने पूछा है कैन यू से हिंदी वर्ड्स इन इंग्लिश विदाउट यूजिंग हिंदी, चैलेंज एक्सेप्टेड। अंग्रेजी एक्सेंट ग्लास, पूव की एक्सेंट ग्लास, फिरंगी एक्सेंट बिस्किट, पूव की अजीब गरीब इंग्लिश बिस्कुट, अमेरिकन लोगों की एक्सेंट स्कूल, मस्त पूव लकड़ी की एक्सेंट स्कूल, अमेरिकन एक्सेंट ब्यूटीफुल, पू एंड हर स्ट्रगल्स ब्यूटीफुल। प्रीतम जी ने लिखा है लुकिंग लाइक फीमेल वर्जन ऑफ योगी आदित्यनाथ विथ हेयर्स, गजब बेइज्जती है। यू लुक लाइक नोरा फतेही, लो बजट नोरा फतेही, क्यों गरीब इंसान की फीलिंग के साथ खेलते हो। नेक्स्ट, किसी ने मंगमंग के बारे में बोला है इतना काला कुत्ता क्यों लेके आई है। कुत्ते पे नहीं जाना, बोला ना ये कुत्ते पे नहीं जाना। कंट्रोल पूनम कंट्रोल। नेक्स्ट किसी ने लिखा है यू आर सितुपित, क्या बोलना चाहते हो, क्यों बोलना चाहते हो। तो जैसे कि आपको पता होगा मेरा जो नाम है ना वो है पूनम, लेकिन बहुत सारे लोग मुझे अजीब गरीब नामों से बुलाते रहते हैं तो अभी हम उनको फटते हैं। किसी ने बोला है हेलो पूजा दीदी, पूजा तक तो ठीक है, यू नो पूनम पू पूजा तो चलता, इतना तो चलता ही है। यू आर सो क्यूट पोपट दीदी, ये मजबूर है पर आप नहीं। लोगों ने पोपट बना के रख दिया मेरा। आई लव योर वीडियो सो मच फुलेंदु दीदी।
पूरन दीदी इज द बेस्ट, ये मेरे नाम का मजाक बना रखा है, अब मैं हंसूं या रोऊं? हाय सोनम दीदी, चलो पू पूर्णा पूर्व ये तक तो सही था, लेकिन पी से एस तक कैसे हो गया? ये सस्ते नशे करना छोड़ दो। किसी ने बोला है, तू सोचती है कि तू सुंदर है? यार मैं तो ऐसा नहीं सोचती, लेकिन अगर आप ऐसा सोचते ना तो थैंक यू वेरी मच। Damn, it feels good to be a gangster. So next वाला comments मुझे pink convenience store challenge वाली video में मिला है, और उस video में मैं H&M पर गई थी कुछ pink color के कपड़े खरीदने के लिए, और वहाँ पर मैंने कुछ चड्डीज वगैरह दिखाई थी आपको, उनका price बताया था। तो इस lady ने लिखा है, बेशरम क्या girl की private things दिखाती है। दर्शना जी, जो शॉपिंग मॉल में चड्डीज बनियान कच्छे वगैरह होते हैं ना, वो अगर हम देखते और खरीदते हैं ना, तो उसमें कोई बेशर्मी की बात नहीं होती। आप चड्डी नहीं पहनते, आप चड्डी नहीं खरीदते, वो कोई ड्रग्स वगैरह नहीं है कि छुप छुपा के खरीदने पड़ते हैं। सो बहुत सारे लोग मेरे कमेंट सेक्शन में अपने आप को प्रमोट करते हैं। सो गेट ECE ने लिखा है, सो गाइज अब मैं BJP ज्वाइन कर रही हूँ, #BJP4UP। गाइज इनको वोट कर देना, वोट की बहुत जरूरत है इनको। तो जैसे कि आपको पता होगा मैं नॉन वेज हूँ, और मुझे नॉन वेज फूड बहुत ही पसंद है, और उस बात से कुछ लोगों को, कुछ अजीब गरीब लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है, और मैं किसी को जज नहीं करती। अगर आप नॉन वेज हो या वेजिटेरियन हो, आपकी मर्जी, आपको क्या खाना, आपके पेट के अंदर आपको क्या डालना है। तो उनमें से जैनम में बोला है, हाउ कैन यू ईट पोर्क मीट, यू, ये यू बोलना जरूरी है क्या? सो गाइज आज के लिए सिर्फ इतना ही, आई होप कि आपको आज का भी ये बहुत ही अजीब गरीब वीडियो पसंद आया होगा। और एक्चुअली मैं चाहती हूँ कि आप कमेंट्स में मुझे बताइए कुछ डेयर्स वगैरह जो कि मैं कोरिया में कर सकूँ, और ये जो डेयर्स है ना वो नॉर्मल डेयर्स होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि दीदी आप कन्वीनियंस स्टोर में जाओ और किसी के बालों के ऊपर पान थूक के आ जाओ, ऐसा मैं नहीं कर सकती क्योंकि मेरे पास पान नहीं है। और बहुत सारे लोगों ने बोला कि दीदी आप प्लीज इंडियन कपड़े पहन के, इंडियन साड़ी पहन के कोरिया में घूमें, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मेरे पास साड़ी, इंडियन कपड़े बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे कोरिया में, तो वो डेयर मैं नहीं कर सकती। एक्चुअली मैंने कुछ कपड़े ऑर्डर करे हैं इंडिया से, लेकिन वो 2-3 महीने बाद में यहाँ पे आ जाएंगे, तो उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। और अगर आप ऐसे वीडियो और भी देखना चाहते हैं तो वो भी कमेंट में बता देना। सो थैंक यू सो मच गाइस ये वीडियो देखने के लिए, प्लीज किसी बात का बुरा मत मानना, मैं सिर्फ मजाक मजाक में ये बोल देती हूँ, ये कर देती हूँ, और अभी मोंग मोंग मेरे साथ खेलना चाहता है। सो आई होप कि आपको आज का भी ये व्लॉग पसंद आया होगा, और मैं आपको जल्दी से मिलूंगी मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, हैप्पी रहिए, आई लव यू, बाय।